बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 अगस्त है। गुज़श्ता रोज़ 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाया गया। ये यौम आज़ादी किस तरह से मनाया गया? बहुत सी इमारतों को सजाया गया था, कौमी परचम लहराए गए और 13 अगस्त की रात को 12 बजे पाकिस्तान में कई मकाम पर आतिशबाजी की गई। खूबसूरत मनाजर थे। सरकारी सतह पर भी आतिशबाजी की गई। इसके साथ साथ कई निजी अदारों ने भी ये काम किया। कई हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी आतिशबाजी की गई। पूरे पाकिस्तान में वाकई एक जश्न का समा लगता था, जिस तरह से इमारतों को सजाया गया था, जिस तरह से सड़कों को सजाया गया था। लेकिन अगर यौम आज़ादी का वसी तनाजर में जायज़ा लिया जाए तो ये एक खुशी का मौका यकीनन है, लेकिन हमें इस मौके पर उदासी भी नज़र आई। उदासी किस तरह से नज़र आई? जिस तरह से लोग यौम आज़ादी पर पूरे पाकिस्तान में निकलते हैं, 23 मार्च को निकलते हैं, कल 14 अगस्त पर वो रौनक उस तरह से नज़र नहीं आई। लोग काफ़ी तादाद में निकले, लेकिन जिस तरह से पहले सालों में निकला करते थे, मैं समझता हूँ कि उससे आधी तादाद भी सड़कों पर मौजूद नहीं थी। इसकी क्या वजह? इसकी एक वजह समझ आती है कि तहरीक इंसाफ के परचमों पर पाबंदी लगाने के लिए ये ऐलान कर दिया गया कि कोई भी सियासी पार्टी अपना परचम कौमी परचम के साथ नहीं लहराएगी। ये सारा इसलिए किया गया कि इमरान खान की पार्टी को परचम कुशाई से रोकना था, क्योंकि उनके लिए एहतजाज का कोई रास्ता अब मौजूद नहीं है। तो ये नज़र आ रहा था कि 14 अगस्त को पीटीआई के लोग यौम आज़ादी पर निकलेंगे, तो इस मौके पर उनको कौमी परचम के साथ साथ पार्टी परचम लहराने का मौका भी मिल जाएगा। इमरान खान ने कई बार अपने जलसों में आने वालों को कहा था कि आपके हाथों में पार्टी परचम तो होने चाहिए, लेकिन पार्टी परचम से ज़्यादा आपके पास कौमी परचम होने चाहिए। तो उसके बाद इमरान खान के जलसों में, पीटीआई के जलसों में, खसूसी तौर पर उन जलसों में जिनमें इमरान खान खिताब किया करते थे, उनमें कौमी परचमों की एक बहार हुआ करती थी। 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर भी ऐसा ही नज़र आया। कौमी परचमों की बहार थी, कौमी परचमों की भरमार थी, लेकिन कौमी परचम लेकर निकले वाले कितने लोग मैंने देखा कि गाड़ियों पर भी, मोटरसाइकिलों पर भी लोगों ने परचम लगाए हुए थे। लोग सड़कों पर थे तो उनके हाथों में भी कौमी परचम थे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से पहले लोग निकलते थे, उस तरह से लोग इस बार नहीं निकले। और इससे भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि लोग कितनी तादाद में निकले होंगे। मैंने शाम को देखा कि स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉलों पर कौमी परचम मौजूद हैं, स्टॉलों पर वो चीज़ें भी हैं जो जश्न में बाजे वगैरह इस्तेमाल होते हैं। बड़ी तादाद में स्टॉल पर ये चीज़ें मौजूद थीं। इससे यही अंदाज़ा किया जा सकता है कि लोग जिस तरह से ऐसी चीज़ों की ख़रीदारी पहले किया करते थे, वो अपनी बाकी तहरीक इंसाफ पर पूरी नज़र थी कि उसके लोग परचम लेकर ना बाहर निकले। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी कोशिश भी की गई और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ लोग नारे लगाते हुए घरों से निकले और सलामत वापस घरों को चले भी गए। तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल तरह से पाबंदी थी कि वो कोई बंदा उनका परचम ना लहराए, लेकिन बाकी पार्टियों पर क्या इसी तरह से पाबंदी थी? मैं नहीं समझता कि ऐसी पाबंदी थी, क्योंकि लाहौर में कई मकाम पर देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम लगाए गए हैं, लहराए गए हैं, लेकिन ये किन लोगों की तरफ से लहराए गए हैं? मैं समझता हूँ कि वो पैसा कोट किस्म के लोग थे जिनकी तरफ से ऐसे परचम लहराए गए हैं, क्योंकि चंद एक जगहों पर ही ये परचम थे। पूरे लाहौर शहर में ऐसे परचम नहीं लहराए गए थे, सिर्फ अपनी मौजूदगी बताने के लिए, अपनी पार्टी का एहसास दिलाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से मुख्तसर मकामात पर ऐसे परचम लहराए गए। लेकिन बात यह है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी थी, इन लोगों पर कोई पाबंदी थी। बाकी मुस्लिम लीग नून उसकी तरफ से देख लें कि उन्होंने ये जश्न आज़ादी कैसे मनाया होगा। कोई बड़ी तकरीब नहीं हुई मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस दफ़ा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो मुस्लिम लीग नून को ये कमी पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी, इसके लोगों की तरफ से बाहर आना चाहिए था, लेकिन वो उस तरह से लोग बाहर नहीं आए। आम लोग तो बाहर आए हैं, लेकिन पीटीआई वाले उस तरह से जोश खरोश के साथ बाहर नजर नहीं आए, इसलिए उनकी कमी महसूस की गई। और परचमों पर पाबंदी क्यों लगाई गई? ये सभी कादमी की तरफ से एक भी लाग बनाया गया था, यानी इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, अगले रोज ये खबरें आई। बल्कि अब तक भी मुस्लिम लीग नून की क्यादत की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो लोग सड़कों पर नहीं आए, किसी ने कोई मुजाहरा नहीं किया। तो इस पर सभी कादमी की तरफ से एक भी लाग किया गया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पता है कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो जब इनके पास एक जवाब होगा बाहर निकलने का, 14 अगस्त को देखना कि किस तरह से
लोग पीटीआई के परचम लेकर इमरान खान की तस्वीरें लेकर बाहर निकलते हैं, उससे फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ कितने लोग हैं। सभी कादमी का ये कहना था इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से पूरा बंदोबस्त किया गया, वो इससे पहले जा चुके थे लेकिन उनके अहकाम की बजावरी होती रही। और पंजाब में तो फिर निगरान उसी का हिस्सा हैं, उसी की सोच रखते हैं, उन्हीं लोगों के साथी हैं। तो इनकी तरफ से दफ़ा 144 लगाई गई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की पार्टी को पाबंद रखने के लिए कि वो इस तरीके से मुजाहरे ना कर सकें। हमारा 14 अगस्त को यौम आज़ादी गुजर गया, आज भारत का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, इस पर पूरे कश्मीर में यौम स्याह मनाया जाएगा। बात हमने की इमरान खान की और उनकी पार्टी की कि उस पर किस तरह से तारीख रात अब भी जारी है। आज इमरान खान के केसेस की समाअत एक बार फिर आमर फारूक साहब करेंगे। कुछ लोगों को उम्मीद है कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन आमर फारूक साहब जिस तरह के जज हैं वो सारी रात सोचते रहे होंगे, ऐसी रात जो जश्न आज़ादी की रात थी, आमर फारूक साहब ये सोचते रहे होंगे कि सुबह मैंने इमरान खान के केसेस की समाअत करनी है और किस तरीके से इमरान खान को मजीद जेल में रखने के लिए क्या क्या कानूनी मूछगाफियाँ बयान करनी है और इमरान खान की जेल शिफ्टिंग के हवाले से भी इन्हें को ऐलान करना है। लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आती कि इमरान खान को जस्टिस आमर फारूक की तरफ से किसी किस्म का कोई भी बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह करे कि अगले साल पूरी कौम जश्न आज़ादी के लिए बाहर निकले, किसी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो। अल्लाह हाफिज़।